अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन आखिरकार भारत पहुंच गया। इंडोनेशिया में छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद से ही उसे भारत लाए जाने की कवायद जारी थी और आखिरकार शुक्रवार सुबह वो दिल्ली ले आया गया। छोटा राजन को 27 साल बाद भारत लाया गया है और अब उससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसका कच्चा चिट्ठा खुलवाने में जुट गई है। इंडोनेशिया की राजधानी बाली से चार्टर्ड प्लेन से 27 साल बाद छोटा राजन को भारत लाया गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पहले करीबी रहे और फिर कई सालों से उसका दुश्मन बन चुके छोटा राजन की इंडोनेशिया में गिरफ्तारी के बाद से ही उसे भारत लाए जाने की कवायद जारी थी और आखिरकार भारत उसमें कामयाब भी हो गया। भारत लाए जाने के बाद उसे किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया है जहां उससे पूछताछ की जाएगी। सूत्र बताते हैं कि छोटा राजन की सिक्योरिटी के मद्देनजर उसका एक हम शक्ल भी हायर किया गया है, यानी उसका डमी भी तैयार किया गया है। ऐसा मीडिया और संभावित हमलावरों को भटकाने के मकसद से किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजन के दिल्ली पहुंचने के बाद कुछ मीडिया वालों ने उसकी गाड़ी का पीछा किया। बाद में पता चला कि वो राजन की डमी का पीछा कर रहे हैं। असली छोटा राजन को तो डिटेंशन सेंटर पर पहुंचाया जा चुका था। आपको बता दें कि राजन के डुप्लीकेट की बीते 3 दिनों से तलाश चल रही थी। राजन को न केवल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम बल्कि अपने ही गैंग के कुछ लोगों से भी खतरा है। ये वो लोग हैं जो राजन के दुश्मन छोटा शकील से मिल गए हैं या पेमेंट और दूसरे मुद्दों की वजह से राजन से बेहद नाराज बताए जाते हैं। माना जा रहा है कि कुछ राजनेताओं और सिक्योरिटी ऑफिसरों से भी राजन को खतरा हो सकता है। इनके और राजन के पुराने रिश्तों का खुलासा उससे पूछताछ में हो सकता है। ऐसे में वे भी राजन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। राजन ने खुद कहा था कि मुंबई पुलिस के कई अफसरों के दाऊद से रिश्ते हैं। शायद इसी वजह से राजन के मुंबई से जुड़े सारे केस सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। अब राजन को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। पता चला है कि राजन को दिल्ली या मुंबई ले जाए जाने के दौरान उसका डुप्लीकेट 2400 घंटे उसके साथ रहेगा। यहाँ तक कि हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर भी वह मौजूद रहेगा। डुप्लीकेट और छोटा राजन को एक जैसे सिक्योरिटी में रखा जाएगा। ऐसे सिक्योरिटी कोर्ट, हॉस्पिटल या डिटेंशन सेंटर ले जाए जाने के दौरान रखी जाएगी ताकि किसी को शक ना हो। राजन और उसका डुप्लीकेट एक जैसी कारों में सफर करेंगे। इस दौरान सिक्योरिटी में तैनात जवान दोनों के चेहरों पर मास्क डाले रहेंगे। करीब 25 से 30 कमांडो सिक्योरिटी में मौजूद होंगे। ये असॉल्ट राइफल, MP5 मशीन गन और क्लॉक पिस्टल से लैस होंगे। दरअसल सुबह 4 बजे से ही दिल्ली एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। सुबह करीब 5:45 पर विशेष विमान पालम एयरपोर्ट पर उतरा। वहां से कड़ी सिक्योरिटी में एक खास बुलेट प्रूफ कार में बैठाकर राजन को सीबीआई हेडक्वार्टर लाया गया। इस ऑफिस में सीबीआई और दिल्ली पुलिस के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निकलजे है। उसका जन्म मुंबई के चैम्बूर इलाके के तिलक नगर बस्ती में हुआ था। स्कूल छोड़ने के बाद छोटा राजन मुंबई में फिल्म टिकट प्लेक करने लगा। इसी बीच वह राजन नायर गैंग में शामिल हो गया। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नायर को बड़ा राजन के नाम से जाना जाता था। समय के साथ राजन यानी छोटा राजन बड़ा राजन का करीबी बना और उसकी मौत के बाद गैंग का सरगना बन गया। छोटा राजन पर भारत में 65 से ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज हैं। राजन के नायर गैंग में रहते हुए उस पर अवैध वसूली, धमकी, मारपीट और हत्या की कोशिश के मामले दर्ज थे। दाऊद के साथ आने के बाद उसका क्राइम ग्राफ भी बढ़ गया।
भारत में उसके खिलाफ 20 से ज्यादा लोगों के मर्डर का भी केस दर्ज है। सन 2011 में मुंबई के सीनियर जर्नलिस्ट ज्योतिर्मय डे के मर्डर में भी उसका हाथ माना जाता है। चलिए अब आपको बता दें कि आखिर कैसे हुई थी छोटा राजन और दाऊद की दोस्ती। अस्सी के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान, करीम लाला और बड़ा राजन के गैंग एक्टिव थे। हाजी मस्तान की मौत के बाद उसकी कुर्सी संभालने वाले दाऊद की करीम लाला के वारिसों से गैंगवार छिड़ गई। बड़ा राजन ने दाऊद का साथ लेकर करीम लाला के वारिसों के खिलाफ गैंगवार छेड़ी तो बड़ा राजन को जान कमानी पड़ी। इसके बाद बड़ा राजन के लिए काम करने वाले छोटा राजन ने उसका काम संभाला। छोटा राजन को एक भरोसेमंद और ताकतवर सहारे की तलाश थी तो उसे दाऊद के रूप में मिल गया। छोटा राजन की पत्नी सुजाता को दाऊद मुंह बोली बहन मानता था। सुजाता दाऊद को राखी भी बांधती थी। इस वजह से भी छोटा राजन और दाऊद करीब आए थे। जब 1988 में दाऊद को दुबई भागना पड़ा तो उसने मुंबई में अपने सारे कामों की जिम्मेदारी छोटा राजन को सौंप दी। आइए अब आपको ये भी बता दें कि आखिर कैसे बनी दोनों के बीच दूरी। कहा जाता है कि दुबई पहुंचने के बाद दाऊद ने मुंबई में अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए अपने ही लोगों को आपस में लड़ाना शुरू किया। आरोप है कि दाऊद ने मुंबई में शिवसेना पार्षद खीम बहादुर थापा का मर्डर करवा दिया। थापा छोटा राजन का करीबी था। कहा जाता है कि छोटा राजन को पता चला कि थापा की हत्या में दाऊद के नेपाल के शूटर सुनील सावंत का हाथ है और फिर यहीं से दाऊद और छोटा राजन में दूरियां पड़ने लगी। 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के समय दाऊद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के करीबी हो गया। इससे दाऊद और छोटा राजन की दूरियां बढ़ गई। दोनों के बीच दूरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सितंबर 2000 में दाऊद ने बैंकॉक में छोटा राजन पर हमला करवाया। हालांकि राजन इस हमले में बच गया। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर छोटा राजन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सामने और क्या राज खोलता है और आने वाली तस्वीर कैसी होती है। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट।